कभी दोबारा इनसे कुकिंग मत करवाना, बस जीवन में कुछ भी करवाना। इन्होंने दो लोगों के हिसाब से मैगी बनाई थी और पता नहीं इसमें इतना सारा पानी गलती से कर दिया। क्या है ये, कौन खाएगा इसको? कोई टेस्ट भी आएगा? सूपी नहीं है, पानी पानी है। टेस्ट चाहिए, ठीक कर दूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है आप कुछ करने की, हाथ वाथ छुपाने से कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। वो है सीजनिंग है, कुछ नहीं है। जाओ तुम, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक। तो जाके काम करो, जाके मैट रखो। मुझे खानी नहीं है इतनी गंदी मैगी। तो हम तो खाएंगे, हमारे तो बिछा के रखो, इधर रखो, मैं इधर बैठूंगी। बस तुम यही काम करना। इनके हाथ की मैगी मुझे नहीं खानी, वो देखते ये कह रही है। ऐसा लग रहा है नाली में जो कैसे चलते हैं वो है। और तूने इतनी तोड़ के क्यों डाली मैगी? दादा मत हंसो, तुमसे भी एक भी काम सही से नहीं होता। यहाँ रखने का था मैं, वहाँ रख के बैठी। जी हाँ, पूरी तो तोड़ के डाली है, टेस्ट क्या करें, इसमें टेस्ट होगा भी कुछ, पानी में होगा टेस्ट। सॉस डालना तो सॉस डाल दे। मैं तो डाल दिया भाई, क्या टेस्टी होगी, सॉस डाल दो। सॉस डाल के लाया, आ रहा उल्टी ला रहा। अरे यार तुम वो नहीं डालते हो। मैगी मसाला डाला तो तूने, लाया ही नहीं होगा। हाँ तुम खाओ जरा, सबसे पहले तुम्हारे रिएक्शन देखा जाएगा। सॉस डाल के लाया ये तो। क्या गली हुई है बिल्कुल। गली हुई है बिल्कुल। हाँ वो तो जितनी देर पानी पड़ गया बिल्कुल फीकी मैगी आई है। अब ओरिगैनो वगैरह ही हमें कुछ बचा सकते हैं इस सड़े हुए टेस्ट से। आप टेस्ट करिए, खाने से पहले ही कम करने के पीछे पड़ गया। ओह शिट, हाँ डालो पहले, अच्छी भी लगे। हाँ डाल दो तभी कुछ टेस्ट आ सकता। डाल दो थोड़ा बहुत टेस्ट आए रहे, मैं कहती हूँ और कम कर दो। नहीं खा लो अब जितिया, कभी दोबारा इनसे कुकिंग मत करवाना, बस जीवन में कुछ भी करवाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहते हैं कि हमसे ऐसा ऐसा काम हम कर दें। आंटी इस ब्लॉग को तो आप रेफर एडिट करके डाल देना, मेरे बेटे ने बनाई मैगी। देखिए कैसा था टेस्ट। अब कुछ टेस्ट आया होगा लग रहा है मेरे को। चलो रुको मैं टेस्ट करके बताती हूँ। पिज्जा की खुशबू आ रही है। चलो मैगी पिज्जा। यस मैगी पिज्जा। बट कभी इनसे कुकिंग में सलाह देती हूँ, कभी भी ऐसे लोगों से कुकिंग ना करें जो दो। मैंने उस टाइम बहुत अच्छी बनाई थी। किस टाइम बनाई थी? वहाँ पे एक बार पता नहीं, माँ किसी और ने बनाई होगी, इसने जाके ना चला दी होगी और कह रहा होगा मैंने बनाई है। दो लोगों की मैगी में तीन लोगों का पानी डाल के कह रहे हैं कि दुख से निकला। तीन का नहीं, पूरी कढ़ाई भरा हुआ पानी था। पागल सा, आगे से कुछ न बनवाए इनसे, मेरी पर्सनल थला है ना, भी थला है सलाह। और ऐसे लग रहा है जैसे नाली के कैसे हो, वो भी सब पतले होते हैं। ये कह रहे हैं कि ये मोटी कैसे हो गई, तुम्हारी करतूत की वजह से ही मोटी हुई है, ऐसे थोड़ी ना। यार मेरे तो यहाँ आते ही दाने निकलने शुरू हो गए। बनाया जो कढ़ाई, ये चीज पहली बार कभी नहीं बनाई। मैंने नहीं देखा इसको कभी कुछ बनाते थे। गाइस मैगी को सूप की तरह पीना पड़ रहा है। सूप भी, सूपी मैगी भी अच्छी लगती है, लेकिन ये तो पानी अलग मैगी अलग है। और उसका मसाला सारा पानी में चला गया और फिर भी वो भी फीका है क्योंकि पानी भी एक्स्ट्रा ही है। मैगी तो अजीब ही, मैगी तो उबली हुई जैसे चाउमीन रख देते हैं ना ठेलों पे उबाल के, बस वही है चलती है कि ये ठेले पे उबली हुई चाउमीन खा के आती है सड़ी हुई। भाई सबके ठेले पे उबली हुई चाउमीन रखी रहती है, तभी तो मैं टेस्ट पता है। आदित्य पे भी उबली हुई रखी रहती है। हमने खाई नहीं आदित्य की, हमारे पीजी में बनती है एकदम। भाई आदित्य पे भी चाउमीन अच्छी बनती है गाइस। और ये आदित्य वालों ये कहना चाहती हैं कि मुझे अपने ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं। मैं आपका बहुत प्रमोशन करवाती हूँ, बहुत लोगों का आपकी दुकान पर भेजती हूँ।
कोई बात नहीं, किसी तक तो पहुंचेगी। हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब एक सदस्य और ऐड हो चुका है, वो अभी चार लोग तैयार होके आ रही है। खाना सब बना दिया, हम सोफा कट के जा रहे हैं और वो, अरे नहीं मतलब बस थोड़ा कपड़े पहन के आ रहे हैं। अच्छा, तीसरा मंदिर है वो दिखाएंगे आज आपको। अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए, वैसे ये प्लान कैंसिल हो गया था जो इन्होंने सुबह कहा था, दूसरा मंदिर में देखा, लेकिन अब मुझे रात में जाना पड़ रहा है, 8 बज रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही थी, फिर मैंने इनको बताया कि वो अच्छा सजा है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेहंदी क्यों लगाई आपने, दिस इज मेहंदी, देखो क्यों लगाई है, नहीं दिस इज मेहंदी, दिस इज हीना, क्यों लगाई है, ये कह रही है दिस इज मेहंदी, कह रही है क्यों लगाई, दिस इज हीना मेहंदी, अरे क्यों क्यों लगा, क्योंकि हम बोर हो रहे थे, एकदम रात में हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हमें मेहंदी लगा ली। चौथी सदस्य आंटी जी, अब दो दो लोग आप आधे आधे बैठ चुके हैं, और एक गाना पूरा चल रहा है, दो मिनट का एक गाना, और वही गाना फिर चेंज हो जा रहा है, वही रिपीट चल रहा है इसमें, और बार बार चेंज हो जा रहा है, फिर वही मैं कह रही अभी तक लोगों के भाग खुले नहीं है क्या, तो ऐसे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। मेरे मेरे तो वो वाले हैं, वो पॉम पॉम वाले, पर मैं एग्जाम देने चली गई थी वो पहन के, मेरे तो उनमें पेन पेन लगे, तो तेरे पापा पॉम पॉम वाले पहन रहे हैं, मेरे दूसरे तो क्यों कह रही है, एक पर अभी इसने बोला कि मेरे मेरे जो ग्लास है वो पापा को दे दिए, तो कह रही है आप, कह रही है मेरे भी पॉम पॉम वाले हैं, तुम ठंडे हाथ खाओ, नो 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 नो, वैसे मुझसे लखनऊ से यहाँ की ठंडा दिल्ली जा रही, पर तुम ठंडे ठंडे कर जाओ, दिल्ली में तो धूप निकल रही थी, ठंड तो थी, वहाँ भी सेम यही हाल था। हजार साल बाद वो वाले में आते हैं हम लोग, मैं उस वाले में, इस वाले में आती हूँ, क्योंकि मंदिर अच्छा है, सुंदर है, यहाँ प्रसाद भी मिलता है, नहीं मैं ढाब वाले मंदिर और ये पीछे वाले, मैं ढाब वाले नहीं, वाले में बहुत कम आती हूँ, ये वाले हजार साल बाद आई, यहाँ इस मंदिर में प्रसाद मिलता है अच्छा, तो प्रसाद लग लगवाने, हम लालच से नहीं जाते, हम श्रद्धा से जाते हैं, हम जाते नहीं है मंदिर, कभी कभी जाते हैं, तुम पता मंदिर का ही बना रही हाँ। क्या नहीं, अरे वो सब तो मेरे हाथ में है, अभी हम ऐसा साथ चल रहा है, ये हमारा गाइड है, कितने रुपए लेगा, गाइड है आंटी का बॉडी गार्ड, चला गया वो, कह रहा नहीं कम पैसे दे रही थी आंटी। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अरे बाहर कह रहे हैं अंदर चलो, तो पहली बार आ रही हो क्या, नहीं अंदर देखना, अभी गाइड है गाइड, इसे ब्लॉग में जरूर डालना, ये कुत्ता ब्लॉग में, हाँ पांच पांडव चलते हैं उनके साथ, एक कुत्ता भी था, लेकिन हम चार ही हैं। अरे तो इस बात का मतलब क्या हुआ, फेसबुक पॉइंट देखा, एक ब्लैक कलर का कुत्ता परिक्रमा कर रहा है, एक हाँ 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 हाँ, और वो बंदर तो साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, अब बस मेरी, अरे अभी तो भीड़ थी जब मैं गई थी, तुम ज्यादा क्यों बोलते, ये बन गया होगा, जब से आई तब से बन बना हुआ ही है, अबे यार बेचारे अंदर के साथ मुझसे ले, अंदर वाले मेरे पास है, चलो कोई नहीं बंदे तो जब पहले गई थी तभी पूछ लेती, क्या क्या निकल गया, क्या क्या निकाल दिया तुमने, दिखा जरा अपना कलेक्शन, देखो कलरफुल रोज, क्या हो गया आप शांत कैसे हो गए, आपको चुरा के शांति नहीं मिली, ओ चैन नहीं पड़ा, गेट पर बाहर पढ़ लेता है, इनको क्या छुपा के लेके जाऊंगी,
ड्रेस करना बाहर गेट में बहुत सारे मंदिर पंडित खड़े हैं ये फूल चुप एक तो तुम्हें इतना मंदिर दिखा दिया और लेट लेट गए सामने क्या देखा नहीं था क्या कभी इतना सुंदर ज्यादा मत बोलो इतना सुंदर नहीं देखा था ओके इतना सुंदर देखा था सजा हुआ नहीं देखा था इसको छुपाने की प्लानिंग करो क्या करना है पंडित भी नंगा भी रास्ते में कहाँ है चले गए वो अबे वो यहाँ पे मैं फूल चुरा के लाई हूँ भेज देना पंडित गेट पे खड़े हैं तीनों मैं क्या करूँ मुझे क्या पता तुमने चुराने से पहले सोच रहे मुझे को वॉक था मैं चलते हैं ऐसे हाँ तो इसमें ऐसे छुपा लो बेस्ट मतलब अभी कोई नहीं है फिलहाल पंडित बच गए मैं कह रही थी ना कि नहीं है कोई पंडित अभी घर दूर है गाइस अभी घर दूर तो क्या अब रास्ते में क्या दिक्कत है तुम्हें कह देंगे किधर गिफ्ट कर दी इनकी यहाँ से स्टेटस लगाना होता है ट्रिप पर भी स्टेटस नहीं लगाया अभी नहीं कहाँ लगाया मैं ट्रिप पर स्टेटस एक कुत्ता आ रहा है क्या नहीं हमारा बॉडी गार्ड है छोटा भाग गया नहीं वैसे आवाज आई कुछ भागने की लोग पटाखे फोड़ रहे हैं सॉरी हम मोए मोए कर रहे हैं क्या मोए मोए इसमें मोए मोए क्या ये मैंने दीपावली को होली बोल दिया ना आपके पास दिमाग नहीं है मोए मोए अंजलि का हुआ है मोए मोए ये कह रही अंकल ने कहा था आरती 8 बजे होगी पर 8 बजे मंदिर भी बंद हो चुका है मैं तो कह रही थी ठंड है तो इतनी लेट नहीं होता भाई वो अंकल की करती करती गलती बट ठंड हो रही है मोए मोए हम देखो बंदर बन के घूमते रहे दोनों कान पे लगा लगा के किसी क्या खाना बन रहा है नाक में रेड चल पड़ी हम दोनों की नाक लाल हो चुकी नहीं मैं सूंघने के लिए ऐसे कर रही थी अरे हेलो हमारे घर तक जाएंगे क्या मंदिर तो आपने घुमाया नहीं मंदिर में तो आप गायब हो गए थे यहाँ पे सुंदरकांड और भंडारा भी था वैसे खत्म हो चुका पे हुआ था सुंदर लग रहा है क्या हाय राम आज सुबह पता है क्या हुआ क्या हुआ थे हमने वहाँ उस टाइम स्कूटी जब पेट्रोल खत्म हो गया था अपशब्द बोल रही है गाइस मैंने अभी टट्टी पे पैर में छोड़ा टट्टी पे नहीं तो टट्टी पड़ी थी और आज हम फालतू में कुछ ब्लॉक कर रहे हैं ये देखे फूल मुझे लग रहा है कोई मेरे हाथ से फोन छीनने वाला तो मैं रख लेती हूँ घर आ चुका है ठीक है बाय फोटो भेज देना जल्दी ये चुराए बाय लेडीज व्हाट डू यू मीन बाय लेडीज नॉट यू हाँ बाय बाय एक्सक्लूडिंग मी यस और फोटो सेंड कर देना बाय लोग घरों को साले जाओगे हाँ धक्का देके बाय लोग साले जाओगे तो कैमरा